हेलो दोस्तों, ये वीडियो है उड़द के लिए। उड़द के लिए क्या है कि ये नीचे अभी पैल्ट जो है सेंटर में है, यहीं पर रखेंगे। ये देखिए, उड़द तो निकलेगा, यहीं पे निकलेगा। उड़द सेंटर बेल्ट में है, ठीक है। यहाँ आगे आ जाते हैं हलार। ये हलार का बोल्ट कई बार क्या होता है कि वो ढीला छोड़ देते हैं, तो इसको पूरा टाइट रखना है, ये ढीला नहीं छोड़ना, ठीक है। इसको टाइट करेंगे, आगे चलते हैं। अभी एडजस्टिंग है बी बेल्ट, ये यहीं पर रहेगी। ऊपर देखिए ऐसे कैसे, ये यहीं रहेगी बी वाली बेल्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये है। इसको जो बोल्ट का गैप है, ये देखिए, ये बोल्ट का गैप अभी ज़्यादा है, ठीक है। इसका बोल्ट का गैप सिर्फ एक एंगल इसमें से निकल जाए, ये देखिए, इतना रखना है कि जाल और बुलेट के बीच में गैप एक एंगल का रहना चाहिए, एक इंच की गैप रहना चाहिए लगभग। और इसमें जो जाल है, जाल इसमें 6 सूत का चलेगा, क्योंकि माल गीला रहता है तो उसमें दिक्कत आती है। तो 6 सूत का जाल इसमें बिल्कुल सही रहेगा, 6 सूत का जाल डालिए, जिससे कि माल बिल्कुल दिक्कत ना आए। माल गीला रहता है तो बहुत समस्या आती है कि भाई माल निकल नहीं रहा, ठीक है, माल भर रहा है, माल ये हो रहा है। इसलिए जो है आप 6 सूत का जाल इसमें डालेंगे तो उसमें आपका माल गीला निकलेगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसमें जो है रोटर के जो बोल्ट हैं और जाल के बीच में जो गैप है वो एक एंगल का रहना चाहिए, जिससे कि बाकी ये जो है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये सेटिंग और इसको चलाना फर्स्ट गियर में है। पहला गियर है जो मशीन फ्री पंखे पे चलेगी, फर्स्ट गियर में चलेगी, ठीक है, ये देखिए। और ट्रैक्टर की स्पीड रखनी है 11 से 12 की स्पीड रखनी है, 12 की स्पीड पे जो है आप चलाइए इसको, ठीक है, देखिए। हलार को थोड़ा तेज़ रखिए कि माल चलने में भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी उसकी हलार को स्पीड को बढ़ा के रखना है। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए फिर पूछिए, उसके लिए वीडियो फिर बनाएंगे।